आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तमंचे के साथ एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तमंचा लेकर युवक लोगों को धमका रहा है। वायरल हुआ वीडियो थाना बाग के प्रतापपुरा का है। तमंचा लेकर घूमने वाला युवक प्रधान का पुत्र बताया गया है। सबसे पहले वायरल हुए इस वीडियो को देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में तमंचा लेकर ये युवक गांव के लोगों को धमका रहा है। खुलेआम तमंचा लेकर घूम रहा है। बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन युवक बेपरवाह है। वो तमंचा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और लोगों को धमका रहा है। दरअसल यह युवक कोई और नहीं बल्कि प्रधान का पुत्र बताया गया है। मीठी बोली से वोट बटोर लिए गए, लेकिन अब गोली मारने की बात कही जा रही। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस ने युवक पर शिकंजा कस दिया है। तमंचा लेकर घूमने वाले युवक पर शिकंजा कसा जा रहा है। अक्सर ऐसे तमाम दबंग लोग होते हैं जो खुलेआम तमंचा लेकर घूमते हैं। कार्रवाई युवक पर होनी चाहिए, उनके परिवार वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज थाना बाग क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुरा गांव में एक वीडियो वायरल हुआ है कि एक व्यक्ति तमंचा, देसी तमंचा लहराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। तो जैसे सूचना मिली है तत्काल हम लोकल थाना का टीम लगाकर कार्रवाई करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए भेजा गया है। जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही वेपन बरामद कर उनके खिलाफ विधिक धाराओं में मुकदमा लेकर। अभी फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये वही लग रहा है कि जो चुनाव की संबंधित हो सकता है, या तो और कोई और बात भी हो, हम जांच करके जल्दी इसके गिरफ्तार करके। हाँ, हो सक, यही ज़्यादातर अभी जैसे चुनाव मतगणना के बाद भी कई घटनाएं हुई हैं, हम सोचे ये भी उसी की शामिल है। जल्दी उस पर कार्रवाई करेंगे जिससे कोई दबंगा ही ना दिखा सके। माताजी प्रधान क्या बन गई, हाथ में तमंचा थाम लिया और लगे लोगों को डराने धमकाने। भाषा अपने साथी नीरज परियार के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा।